subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस के केसेस मजबूत आने की शरह 50 रोज के दौरान बुलंद तरीन, मजीद 13 अफराद जान बहक। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,21,218 हो गई। पाकिस्तान में पहली बार पुलिस ने ड्रोन्स के जरिए एयर पेट्रोलिंग शुरू कर दी। वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद ने ड्रोन के जरिए एहतजाज को मॉनिटर किया। DIG ऑपरेशंस ने एयर पेट्रोलिंग यूनिट के जरिए मॉनिटरिंग का जायजा लिया। PDM को गुजरांवाला में जलसे की इजाज़त मिल गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि हुकूमत जलसों की इजाज़त इसलिए दे रही है ताकि अपोजिशन सियासी इंतकाम का कार्ड इस्तेमाल ना करें। जाली बैंक अकाउंट केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी गई। नैब ने आसिफ जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। हुकूमत की सिर्फ इंतकाम की पॉलिसी है, मुल्क में 2 साल से कोई हुकूमत नहीं। राणा सनाउल्ला का कहना है कि इमरान खान की शक्ल में टोला बैठा है, ये हुकूमत तो पूरी अपोजिशन को जेल भेजने को तैयार है। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन और हाथ नरम मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956-6699। कोरोना वायरस से मजीद 13 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 6,614 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,21,218 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस से 13 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 6,614 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,21,218 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 756 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,01,237, सिंध में 1,40,997, खैबर पख्तूनख्वा में 38,464, बलूचिस्तान में 15,599, गिलगित बल्तिस्तान में 3,982, इस्लामाबाद में 17,681, जबकि आज़ाद कश्मीर में 3,258 केसेस रिपोर्ट हुए। असद उमर ने कहा कि कोरोना वायरस के केसेस मुस्बत आने की शरह 50 रोज के दौरान बुलंद तरीन है, जबकि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में भी कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं। असद उमर ने कहा कि मौका है हम सब कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती इकदाम को संजीदा लें। उन्होंने मजीद कहा कि दूसरी सूरत में हुकूमत को सख्त इकदाम करना पड़ेंगे। पाकिस्तान में पहली बार किसी शहर में ड्रोन्स के जरिए एयर पेट्रोलिंग का आगाज हो गया। इस्लामाबाद पुलिस ने ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ड्रोन के इस्तेमाल को पुलिस एयर पेट्रोलिंग यूनिट का नाम दिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में पहली बार पुलिस ने ड्रोन्स के जरिए एयर पेट्रोलिंग शुरू कर दी। वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद ने ड्रोन के जरिए एहतजाज को मॉनिटर किया। पाकिस्तान में पहली बार किसी शहर में ड्रोन्स के जरिए एयर पेट्रोलिंग का आगाज हो गया। इस्लामाबाद पुलिस ने ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। DIG ऑपरेशंस वकारुद्दीन के मुताबिक ड्रोन टेक्नोलॉजी से इस्लामाबाद पुलिस की इस्तेदाद कार में इजाफा होगा। ड्रोन के इस्तेमाल को पुलिस एयर पेट्रोलिंग यूनिट का नाम दिया गया है। DIG ऑपरेशंस ने कहा कि ट्रैक्स पर गुम हो जाने वाले अफराद को तलाश करने में भी मदद मिलेगी। डी चौक पर लेबर यूनियन के एहतजाज की मुकम्मल मॉनिटरिंग पहली बार एयर पेट्रोलिंग यूनिट ने की। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने बताया कि DIG ऑपरेशंस ने एयर पेट्रोलिंग यूनिट के जरिए मॉनिटरिंग का जायजा लिया। वफाकी पुलिस का एयर पेट्रोलिंग यूनिट पहली बार एहतजाजी मुजाहरे की कवरेज कर रहा है।
शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमक में फौजी काफिले पर दहशतगर्दों के हमले में एक अफसर और 5 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक ये अफसोसनाक वाकया शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमक में पेश आया। बुजदिल अमन दुश्मनों ने छुपकर वार करते हुए बारूदी सुरंग का धमाका किया, जिसमें पाक फौज के सपूतों ने जाम शहादत नोश कर लिया। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमक के करीब सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले को बारूदी सुरंग का निशाना बनाया गया। धमाके से पाक फौज के 1 अफसर और 5 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक बारूदी सुरंग के धमाके में 24 साल कैप्टन उमर फारूक, नायब सूबेदार रियाज अहमद, नायब सूबेदार शकील आजाद, हवलदार यूनुस खान, नायक मोहम्मद नदीम और लांस नायक असमतुल्लाह शहीद हुए। गुजरांवाला इंतजामिया ने अपोजिशन को जिन्ना स्टेडियम में जलसे की इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अपोजिशन से मुफाहमत नहीं होगी। पहले दिन से कहा था लूट मार करने वाले इकट्ठे हो जाएंगे, ये जलसे करें या धरने दें, NRO नहीं मिलना। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। गुजरांवाला इंतजामिया ने अपोजिशन को जिन्ना स्टेडियम में जलसे की इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हुकूमत जलसों की इजाज़त इसलिए दे रही है ताकि अपोजिशन सियासी इंतकाम का कार्ड इस्तेमाल ना करे। हुकूमती तर्जुमान के इजलास से खिताब में उन्होंने फिर वाज़े किया कि अपोजिशन से मुफाहमत नहीं होगी। पहले दिन से कहा था लूट मार करने वाले इकट्ठे हो जाएंगे, ये जलसे करें या धरने दें, NRO नहीं मिलना। इमरान खान ने मजीद कहा कि अपोजिशन की तहरीक से कोई परेशानी नहीं है, अपोजिशन को NRO दे तो कोई तहरीक नहीं चलेगी। वजीर आजम ने NA-120 में जिमनी इंतखाब में 2.5 अरब रुपए खर्च का मामला मंजर आम पर लाने की हिदायत कर दी। इस जिमनी इंतखाब में कुलसूम नवाज जीती थी। वाज़ेह रहे कि साबिक वजीर आजम और अपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने गुजरांवाला में मीडिया से गुफ्तगू में कहा था कि गुजरांवाला जलसे के लिए 3 अक्टूबर को दी गई दरख्वास्त पर आज तक जवाब नहीं आया। अपोजिशन इतिहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहला इजलास 16 अक्टूबर को GT Road गुजरांवाला पर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ जरदारी के वकील फारूक एच नायक ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जमा कराई, जिसमें उन्होंने इस्तदा की कि साबिक सदर को तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जाली बैंक अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ जरदारी के वकील फारूक एच नायक ने हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त जमा कराई, जिसमें उन्होंने इस्तदा की कि साबिक सदर को तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तस्ना दिया जाए। दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि आसिफ जरदारी 11 अक्टूबर से कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज हैं, जबकि दरख्वास्त के साथ आसिफ जरदारी का मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा कराया गया है। दूसरी जानिब कौमी एहतिसाब ब्यूरो ने आसिफ जरदारी की अबूरी जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी है। अकाउंट्स केस में नैब ने आसिफ जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं, जिन पर चेयरमैन नैब के दस्तखत भी मौजूद हैं। जराए का बताना है कि जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी नैब को तफ्तीश के लिए मतलूब हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहना है कि गिरफ्तारियों से तहरीकें आगे बढ़ती हैं। माफिया को अपोजिशन के जलसे के ऐलान से ही फर्क पड़ गया, अवाम माफिया की लूट मार से निजात चाहते हैं तो जलसे में आए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहना है कि गिरफ्तारियों से तहरीकें आगे बढ़ती हैं, माफिया को अपोजिशन के जलसे के ऐलान से ही फर्क पड़ गया, अवाम माफिया की लूट मार से निजात चाहते हैं तो जलसे में आए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की पेशी के मौके पर नैब अदालत के बाहर हंगामा आरई केस में राना सनाउल्लाह और दीगर मुलजिमान लाहौर में इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेशी के लिए पहुँचे। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत की सिर्फ इंतकाम की पॉलिसी है, मुल्क में 2 साल से कोई हुकूमत नहीं, इमरान नियाजी की शक्ल में टोला बैठा है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का बयानिया है, वोट के फैसले को तस्लीम करो, अगर लोग चाहते हैं महंगाई का खात्मा हो तो जलसे में आए, आवाम चाहते हैं अशियाए जरूरिया की कीमतें 2 साल पहले वाली हों तो जलसे में आए, बेघर लोग चाहते हैं उन्हें घर मिले तो जलसे में आए। राना सनाउल्लाह का कहना था कि PTI हुकूमत ने इंतकाम के सिवा कुछ नहीं किया, हुकूमत ने 2 साल में किसी मंसूबे का ऐलान नहीं किया, यह हुकूमत तो पूरी अपोजिशन को जेल भेजने को तैयार है। उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर अपोजिशन के खिलाफ केसों की प्लानिंग करते हैं। इस मौके पर राना सनाउल्लाह के वकील ने बताया कि हमें 17 अक्टूबर की तारीख दी गई है, ये तारीख हमने खुद नहीं ली है।
मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।